सब जानता हूँ। जीव सब जानता है तो फिर के जरूरत ही तो नहीं है दंडवत पेलन की, दंड पेलन की। ये अभिमान रूपी राक्षस ज्यों का त्यों खड़ा रहा, किस लिए कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र को प्रणाम करूं। भगवान ने ना सोचा था यो एक बार नालायक एक बार न्यो भी कर लेगा ना, इसमें निकलिया तो मैं इसकी न्यो की न्यो राख दूंगा या कमाई। जब वो कति आकड़ पाड़ गया, स्टेनलेस स्टील हो गया और न्यो को आकड़ गया, भगवान बोले अरे भाग यहाँ से निकम्मी आत्मा, तने तो आते उद्मस्तार दिया, स्वर्ग में तेरे जैसे नाला कहीं कति जरूरत नहीं। और कहते हैं उसकी सारी कमाई पर कलम मार दी, भाग यहाँ से गदा बन, गधे की योनि आप खड़ा हुआ, गधे की योनि प्राप्त कर ली, वह सारी कमाई नाश कर दी, अहंकार रूपी ऐसी दावा नल है ये नष्ट कर देती है भक्ति को। तो पुत्र को प्रणाम करना बहुत बुरा मानते थे, और परमात्मा के मार्ग में और जगत के नियमों में बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। इसलिए जगत और भगत के विचार भिन्न होने से आपस में मन मुटाव बना रहता है। तो यही कारण रहा कि सतयुग में गंगाधर और दीपिका को परमात्मा मिले भगवान, और वो भी बालक रूप में, पुत्र कितना प्रिय होता है। और फिर जब वो थोड़े से यू बड़े हुए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, पर वो आते हैं जैसे वेदों में लिखा हो परमात्मा वहाँ से गति करके आता है, ऊपर तीसरे धाम में रहता है। जब सत्सुकृत नाम से आए थे तो गंगाधर और दीपिका ने उनकी बालकपन की परवरिश की थी। जब 5-6 वर्ष के हुए भगवान, 10 वर्ष के हुए, तब उनको कहा कि आप मुझे गुरु बना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। एक दो बार तो हंस के टाल गए, चल चल है क्या कह रहे हैं। फिर परमात्मा ने कई बार आग्रह किया, फिर दमकान लागी, अच्छा तू हमारा बाप बन गया, हम तुझे गुरु बनाएंगे। और ब्राह्मण ब्राह्मण तो फिर और तगड़े बहुत ज़्यादा इस बात के अभिमानी होते हैं, नहीं माने, उनके कर्म बनाए परमात्मा ने। फिर वही आत्माएं त्रेता युग में फिर वेदविज और सूर्या नामक, वेदविज तो वो ब्राह्मण बना, ऋषि बना, और दीपिका जो है वो फिर सूर्या उसकी पत्नी बनी। परमात्मा फिर त्रेता युग में आए थे मुनिंदर नाम से, उनको फिर ऐसी बालक रूप में प्राप्त हुए। उन दोनों को फिर भी ट्राई की मालिक ने, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो यही कारण रहा कि सतयुग में गंगाधर और दीपिका को परमात्मा मिले भगवान, और वो भी बालक रूप में, पुत्र कितना प्रिय होता है। और फिर जब वो थोड़े से यू बड़े हुए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, पर वो आते हैं जैसे वेदों में लिखा हो परमात्मा वहाँ से गति करके आता है, ऊपर तीसरे धाम में रहता है। जब सत्सुकृत नाम से आए थे तो गंगाधर और दीपिका ने उनकी बालकपन की परवरिश की थी। जब 5-6 वर्ष के हुए भगवान, 10 वर्ष के हुए, तब उनको कहा कि आप मुझे गुरु बना लो, आपका कल्याण हो जाएगा। एक दो बार तो हंस के टाल गए, चल चल है क्या कह रहे हैं। फिर परमात्मा ने कई बार आग्रह किया, फिर दमकान लागी, अच्छा तू हमारा बाप बन गया, हम तुझे गुरु बनाएंगे। और ब्राह्मण ब्राह्मण तो फिर और तगड़े बहुत ज़्यादा इस बात के अभिमानी होते हैं, नहीं माने, उनके कर्म बनाए परमात्मा ने। फिर वही आत्माएं त्रेता युग में फिर वेदविज और सूर्या नामक, वेदविज तो वो ब्राह्मण बना, ऋषि बना, और दीपिका जो है वो फिर सूर्या उसकी पत्नी बनी। परमात्मा फिर त्रेता युग में आए थे मुनिंदर नाम से, उनको फिर ऐसी बालक रूप में प्राप्त हुए। उन दोनों को फिर भी ट्राई की मालिक ने, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। और यही बीमारी आज तक बनी हुई है समाज में, और कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे,
फिर भी वो नहीं माने। उन परमात्मा की सेवा से उन्हें बहुत पुण्य मिले, बहुत से जन्म और हुए। फिर वो वेदविज अर्थात विद्याधर दो ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद के रूप में जन्म होया। और जो दीपिका सूर्या वाली आत्मा थी वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम से उत्पन्न हुई। अपुण आत्माओं, परमात्मा की एक वाणी है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं दासे, गेल गेल ला गया फिरू जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यो साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वचल भगवंते। अब सतयुग से उनके साथ हैं, तो पहले कई जन्मों से उनके साथ थे। जैसे बार बार ये दास आपको कहता, आप जी उस पीक टाइम के अंदर हो, जो बहुत ही पुण्य कर्मी प्राणियों को ये अवसर प्राप्त होता है, और इस समय तुम पार नहीं हुए, फिर ये काल आपको ऐसे स्थानों पर रखेगा जहां तुम स्वयं प्रभु बन जाओगे। कहीं आप इंद्र बनोगे, कहीं आप ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की पदवी प्राप्त करोगे, कोई देवी बनेगा, कोई देवता बनेगा, कोई ऋषि महर्षि, कोई व्यास जी बन जाएगा, कोई कुछ बनेगा, और परमात्मा से आपको कोसों दूर करेगा, और आप ही की पूंजी अक्षीण होती रहेगी। तो फिर आपका दाव नहीं लगेगा, तो वो फिर परमात्मा साथ रहता है उन आत्माओं के। ठीक है, धक्के खा लेन दे और लुट पिट लेन दे, ओलन दे बिरानवाटी। अब हमारी बिरानवाटी होली कलयुग में आ गए। तो वो वेदविज जो ब्राह्मण था, यानी वो विद्याधर ब्राह्मण वाली आत्मा वेदविज वाली, फिर वही कलयुग में रामानंद हुए, और वो दीपिका सूर्या वाली आत्मा राबिया नाम की एक लड़की हुई। अब राबिया मुसलमान धर्म जन्म था, परमात्मा फिर वहां पहुंचे, उनको समझाया, बहुत सा ज्ञान दिया। वो लड़की कुंवारी थी, उसको समझाया, उसको वह बात समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार थे। परमात्मा से उपदेश लिया, 4 वर्ष तक साधना की, फिर उसने इतनी प्रेरणा आ गई उसके मन में कि मैं विवाह नहीं करवाऊंगी। घर वालों को मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी। अब घर वालों को चिंता भी नहीं, भाई लड़की को हम रख नहीं सकते, हम तो 10-20 वर्ष के हैं, फिर बाद में इसका गुजारा यहाँ कैसे होगा, ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। तो माता पिता ने बहुत ज़्यादा करड़ा रुख अपना लिया, लड़की भी दृढ़ रही। अंत में माता पिता ने कहा, बेटी तू हमारी बात नहीं मानती है तो हम सुसाइड करेंगे, दोनों के दोनों, हम जी नहीं सकते संसार में। अब लड़की ने सोचा कि माता पिता मरेंगे, तुझे पाप लगेगा, इनको करने दो जो करते हैं। उनको स्वीकृति दे दी कि आप शादी कर दो, विवाह कर दो मेरा। अब माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, विवाह कर दिया एक बहुत अच्छे अधिकारी को, अधिकारी के साथ उसका विवाह हुआ, बहुत अच्छी पुण्यात्मा था वो मुसलमान, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला था। विवाह होकर जब वो पत्नी को लेकर गया तो राबिया ने प्रथम दिन ही उसे अलर्ट कर दिया और सारी कहानी से परिचित करा दिया कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मैं संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि भगवान फिर तू ब्याह क्यों करवावे थी, तूने निकाह कबूल ना करना था। राबिया ने कहा, मेरी मजबूरी थी। क्या व्यवस्था थी आपकी कि मेरे माता पिता लोक लाज से डर के आत्महत्या करने को तैयार हो गए, मैंने मना बहुत किया था। फिर मैंने सोचा माता पिता भी अपना फर्ज पूरा कर देंगे और मैं अपने पति से प्रार्थना कर लूँगी, अब आप देख लो।
मैं संतान उत्पत्ति करूंगी नहीं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, और यदि आप नहीं मानोगे तो मैं फांसी खाकर मर जाऊंगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा, भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं? बहुत समझदार व्यक्ति था और मुसलमानों में कई कई विवाह हो जाते हैं। उसने सोचा कोई बात नहीं, पर उसने एक बात कही कि राबिया बात सुन ले, तेरी बात से मैं सहमत हूँ, मैं भी अल्लाह खुदा से डरने वाला हूँ, मैं निर्दयी नहीं हूँ, लेकिन एक बात करना मेरी भी मर्यादा है, मेरे माता पिता का भी यहाँ लोक लाज है, आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन के तुल होगी और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रहेगी, मैं और विवाह करवा लूंगा। उसने कहा मुझे मंजूर है, राबिया ने कहा, बात खत्म होगी। अब देख परमात्मा की कृपा, अब उस लड़की ने 4 वर्ष जो मालिक की साधना की थी, अब कहते हैं ना कोई कहे वो गर्भ पे भक्ति कर लेंगे हम, तो जिनके कर्म फूटे ना यहाँ 1-2-4 वर्ष ठीक साधना कर ले उनको सुख का सांस आ जाता है, फिर वो छोटी मोटी यहाँ बकवाद कर रहे खुद, फिर उन्होंने दमका दिया, फिर नो कहा हम तो गर्भ पे साधना कर लेंगे, थारा जी ये जानेगा जिसी गर्भ पे कर लोगे। आप कहते हैं सतगुर संगत छोड़ कर जे 1,00,000 वर्ष जप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्षों फिर काल का अधीन। अब उस लड़की ने वहाँ जा कर के, क्योंकि सत्संग मिला नहीं, उस समाज के उन्हीं घिसी पिटी साधनाओं को फेर करने लगी, मालक की भक्ति छोड़ दी। अब वो वृद्ध होगी तो उसमें एक नियम है मुसलमान धर्म में कि जो हज नहीं करके आवेगा तो उसका मोक्ष नहीं होए। हज जाते हैं मक्का में, तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा कि आप जा सकते हो, क्योंकि उसको पता था कि तो बिल्कुल साध्वी है, कभी मैंने घर से बाहर नज़र उठाए नहीं देखा इसको। कहा कि आप जा सकती हो, कहो तो आपके साथ व्यवस्था करवा दूँ, ऊँटों की या कोई और व्यवस्था करवा देता हूँ जिस पर सवारी का साधन कर दूँ। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊँगी। अब राबिया घर से चल पड़ी, जा रही थी रेगिस्तान के अंदर से, आगे एक कुआ था, उस कुएं के पास एक कुतिया बहुत प्यासी थी और उससे प्यासी का महसूस हो रहा था। एक बार राबिया के पैरों की तरफ आती थी, चरणों की तरफ, फिर भागकर कुएं की तरफ झांकती थी, साथ में उसके नवजात बालक बच्चे थे। अब राबिया समझ गई कि ये प्यासी है, अगर इसको पानी नहीं मिलाती मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वहां जाकर देखा कुएं पर बाल्टी ना रस्सी कुछ भी नहीं था। अपन आत्मा कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो भक्त नहीं। राबिया ने आसपास देखा, कोई आसपास डगरी नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो उस लड़की ने अपने बाल पाड़े, इतने लंबे लंबे बाल थे, ऐसे न पकड़ के न बाल खसा खस पाट दिए और लो लो आने होगी, रक्त निकलने लगा, उनकी रस्सी बाटी, ओए होए, पहले 150-150 फुट नीचे पानी होता था, 200-200 फुट। उस लड़की ने पूरी रस्सी बाटी, अपने तन के कपड़े मोटे मोटे पहना करते थे, वो कपड़े उतारे सारे और बांध के रस्सी के कुएं में भिगोए नीचे पानी में, और बाहर निकाल के एक मटका फूटा पड़ा था, वो पात्र था आधा, उसमें निचोड़ दिए और कुतिया ने जी भर के पानी पिया, और फिर वो गीले कपड़े पहन के अपना सिर सारने से पोंछ पाछ के फिर धो के और कपड़े पहन के, नो सोचा ही था कि अप्रस्थान करूंगी मक्का की तरफ। कहते हैं वह पूरी न्यो की न्यो बिल्डिंग उठ के, मक्के वाली इमारत, और कुएं के साथ में ऐसे लगी जैसे रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर लग जाया करे। राबिया ने देखा मक्का, एकदम मक्के में सवार होगी, प्रणाम किया, वहां से मक्का फिर उठकर चल पड़ा। उधर से ये अब्राहिम सुल्तान अधम, ये भी परमात्मा का बच्चा था, ये भी पिछले जन्मांतर से ऐसी साधना करता हुआ आ रहा था। उसमें अब्राहिम सुल्तान अधम नहीं था, वही आत्मा थी, वो भी मुसलमान धर्म